रोज बिजली फिर चली गई। बिजली की यही हालत है, बिजली बहुत तंग कर रही है। एक ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक का कि पहले से ना मतलब एक गर्मी की सूरत हाल चेंज हो गई है, ठीक है। और वैसे भी आज मुझे हवा की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो मेरा कल हाल हुआ है। ये बिल्कुल नंगी हुई पड़ी है यार, मुझे नहीं पता था। उसने क्या किया, एक तार इधर लगा दी और एक तार इधर लगा दी, उसने ना मोटर चला दी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इस तरह ना मोटर सड़ जाएगी, तो आप ना एक साइड पे हो जो मैं लगा दी। उसको मैंने कहा एक साइड पे हो जो मैं लगा देती हूँ, वो तो हो गया एक साइड पे। क्या किया कि मैंने दोनों तारें इधर लगाई हैं और उसको ऑन कर दिया। जब ऑन कर दिया तो ये एक तार थी ना वो उतरी और मेरे हाथ के ऊपर आ चुकी थी, और उसने मुझे उसने इतना मुझे झटके दिए और मैं वहाँ जाके नीचे गिरी। जब नीचे गिरी तो मेरा बेटा हंसने लग गया तो जी ये ना पता नहीं अम्मी को क्या हो गया, इस तरह क्यों कर रही है। जब मैं उठी तो मैंने कहा मुझे बिजली लग गई है, ग्राम में मेरी जान जा रही है, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं अभी मर जाऊँगी, यूँ मेरी हालत हो गई। और तो आप यकीन करें मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के चार पाँच पे जाके लेट जाऊँ। फिर मेरी बेटी आई बड़ी, उसने मुझे उठाया, मैं चार पाई फिर उसने जाके मुझे डाला। जब मियाँ आया शाम को, मैंने ना रोटी बनाई, ना मैंने सालन बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, इतनी हिम्मत ही नहीं। बस असर की नमाज पढ़ी है बड़ी मुश्किल से, असर की नमाज बड़ी मुश्किल से पढ़ी और फिर आंटी बाहर ले गई। फिर मगरब की हुई है अज़ान, मगरब की नमाज पढ़ी है। तो मियाँ आया शाम को काफ़ी लेट, मैंने कहा रोटी खाना वगैरह, मैंने कहा कुछ भी नहीं खाना, क्यों क्या हुआ, मैंने कहा मुझसे बोला ही जा रहा था। तो बड़ी बेटी ने कहा अम्मी तो बिजली लग गई, कहता कैसे लगी, ऐसे ऐसे लग गई है ना। तो उसने कहा मैंने आपको कितनी बार कहा है कि डायरेक्ट हमारी तार है, अभी हमने वो जो होता है ना क्या उसको कहते हैं, नाम नहीं आ रहा, ब्रेकर होता है वो, उसको नहीं लगवाया, अभी हमने डायरेक्ट तार आ रही है, मीटर लगवाया अगले दिन, तो वो बड़ा मसला बना हुआ है क्योंकि मियाँ को तनख्वाह मिलनी थी तो वो लग रहा था आज तनख्वाह उसको मिलेगी, तो इंशाल्लाह वो सबसे पहले यही काम करना है, ब्रेकर लगवाना है, ये स्विच लगवाने हैं, ठीक है, जो जो मसले हैं वो हल करने हैं ताकि मैं बच सकूँ। और यकीन जाने कि मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं और वो सारी रात में सोई तकलीफ के साथ, इंजेक्शन भी इधर लगाया डॉक्टर ने, फिर भी इतनी पेन होती रही है बाजू में और सारी रात में सो पाई। फिर सर में ऐसे चक्कर आ रहे हैं, सर को चक्कर आ रहे हैं और चलती हूँ तो दिल को बुलाता है, एक फ्रेली आ रही है और एक जा रही है, ये मेरी हालत हुई पड़ी है। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मुझे अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, और क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता है माँ के बगैर बच्चों का कोई खा नहीं होता, माँ है सर पे, तो माँ का साया है सर पे, तो सब कुछ है। हमारी चार पाइयाँ तो वैसी की वैसी पड़ी हैं, अभी बनवाई नहीं गई, ठीक है, क्या करें, तनख्वाह ही बहुत थोड़ी है, जितनी तनख्वाह मिलती है घर का आता जाता और सब जैसा सौदा वगैरह आ जाता है कहीं देता, इतनी पेमेंट रखती ही नहीं है कि चार पाइयों के दुकान के लिए पैसे बच जाए। आप
रात थी ना, तो मैं भी आज लेट ही उठी। पानी लग गया, ये ना फ्रंट पर जम गया, कलकत्ता और टॉप बहुत आगे। इन्होंने पीछे से ना सालन तो बना नहीं था, बच्चों ने क्या किया, चूड़ी
चेक ले लिया और पानी पिला।